आप देखना, बुआ बोलेगी कि बबुआ तो गुंडों का सरताज है, वोट नहीं डाइवर्ट कर पाया, और बबुआ बोलेगा कि बुआ तो भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति है, और दोनों के लोगों में फिर से वही शुरू हो जाएगा जो इससे पहले हुआ था। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमें अभी से एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश में अनावश्यक कहीं झगड़ा फसाद न हो, इसके बारे में पहले से सतर्कता बरतेंगे, क्योंकि हम लोग तो पहले से ही इन सब चीजों में सतर्क रहते हैं। आपने देखा होगा, आपको आज बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? सपा बसपा की सरकार में बिजली मिलती थी? भाइयों बहनों, सपा बसपा की सरकार में बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी क्षेत्र होता था। चार जिलों में मिलेगी, 71 जिलों में नहीं मिलेगी। मोहर्रम और ईद में मिलेगी, लेकिन दीपावली और होली में नहीं मिलेगी। हमने तो साफ कह दिया है, बिजली देंगे सबको देंगे, मकान देंगे सबको देंगे, शौचालय देंगे सबको देंगे, सबका साथ सबका विकास। 2 साल पहले गेहूं का दाम, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गेहूं तोलने के बाद आपको पर्ची मिलेगी, और पर्ची मिलने के बाद 1860 रुपए आपके खाते में चला जाएगा। यानी बीज की दलाली समाप्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा कितने किसानों के खाते में आया है? बहुत सारे किसानों के खाते में आया है। यहां तो भाइयों बहनों, जिनके खाते में आया है उनको बधाई, जिनके खाते में नहीं आया है, 23 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी तो 5 एकड़ की सीमा भी समाप्त होगी, और सबके खाते में 6,000 रुपए सालाना आना प्रारंभ हो जाएगा। वृद्धा पेंशन हम लोगों ने दिया, विधवा पेंशन में जितनी भी निराश्रित महिलाएं थी सबको पेंशन दिया गया, दिव्यांग जनों को पेंशन स्वीकृत किया गया।